हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू फर्स्ट वीडियो। सो गाइस, टुडे आई हैव सीक्रेट पे रिएक्ट किया। दिस वीडियो इज टू डिफरेंट नेमार के कुछ रिवेंज मोमेंट्स पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चले, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चले, बहुत ही खतरनाक रिवेंज। रिवेंज जो है ना वो फाइट से भी लिया जाता है, ठीक है। कोई प्लेयर जो है ना वो उसको पहले किसी मतलब ऐसे ज़्यादा मुश्किल करता है। नेमार जो है ना वो सिक्योर के पेरे से रिवेंज लेता है, ठीक है ना। आई थिंक रिवेंज नहीं किया मतलब लिया जा सकता है, सिक्योर के पेरे से भी रिवेंज लिया जा सकता है। वो रिवेंज जो है ना वो अलग लेवल का होता है। ओए देखिए, लगभग दो तीन साल से नेमार जो है ना वो इंजरी से ज़्यादा जीत रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए दो तीन साल से वो गाय फुटबॉल से बिल्कुल गए, क्या जब से उसे फीफा वर्ल्ड कप खेला ना उसके बाद उसने बहुत कम मैच खेले। उससे भी रिवेंज लिया जा सकते हैं, लेकिन सिकल के जरिए से जो रिवेंज होता है ना वो अलग लेवल का होता है। अमेजिंग रिवेंज है, अमेजिंग अमेजिंग। आई एम बिग फैन ऑफ नेमार। दिस इज टू क्रेजी। देखो पहले प्लेयर जो है ना वो इसके साथ फाइट करता है, फिर अगले ही टाइम में मतलब नेक्स्ट सिस्टम में नेमार जो है इसको शिकल करता है। इसको क्या कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रहे हैं। देखिए शायदो मैन को वो किसी तरीके से किसी तरीके से उसके वापस करता है। शायदो मैन जो है ना वो किसी तरीके से उसको पहले ऐसे घुमाता है, फिर नेमार अगले मैच में उसको देखो किस तरीके से उसको इसी तरीके से घुमाता है। गजब कर रोनाल्डो जो मैच देता है ना वो किसी भी हाल में उसको टक्का वैसे ऐसे पैसे ड्रेनेज होता है, फाइट के देरी से होता है, लेकिन नेमार जो है ना वो टिकट से ड्रेनेज होता है, बदला लेना ठीक है। नेमार अलग लेवल का बनता है। तो गाइस नेमार के रिलेशन के साथ में देखो, चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।